绝对领导的根本原则和制度。मसूद की ढाल बना चीन, आतंकी पर फिर मेहरबान हुआ चीन, यूएन में चौथी बार चीन का वीटो, भारत का गुनहगार चीन का चहेता। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन तीन स्थायी सदस्यों की कोशिश अकेले चीन के आगे नाकाम हो गई। इन तीनों ताकतवर देशों ने जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का जो प्रस्ताव दिया था वो चीन ने फिर से अटका दिया। जैसा अंदेशा था वही हुआ। यूएनएसए की सैंक्शंस कमेटी के सामने ऑब्जेक्शन करने का वक्त खत्म होने से करीब दो घंटे पहले ही चीन ने अजहर के खिलाफ प्रपोजल को होल्ड कर दिया। चीन की इस फैसले से आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की दुनिया की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। ये चौथी बारी है जब चाइना ने पाकिस्तान में चैन से बैठे आतंकी मसूद अजहर को बचाया है। 2009, 2016, 2017 और अब 13 मार्च 2019। पिछले 10 सालों में चीन ने पाकिस्तान के छत्र छाया में पल रहे आतंकी मसूद अजहर को चौथी बार बचाया है। चीन का ये रवैया इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि आतंकवाद को लेकर उसकी नीति सरासर दोहरी है। हर बार की तरह इस बार भी चीन ने मसूद अजहर के बैन पर रोक लगाया। इससे साफ पता चलता है कि चीन के तय नीति के मुताबिक वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा मिलेगा। चीन अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करता है और उसके लिए मसूद अजहर एक अच्छा आतंकवादी है। हर बार की तरह इस बार भी चीन को मसूद के खिलाफ सबूतों में दम नजर नहीं आया। सबूत के तौर पर भारत ने यूएनएससी में मसूद का ऑडियो टेप सौंपा था। टेप में मसूद अजहर पुलवामा के हमलावरों की तारीफ करता सुनाई दे रहा है। भारत ने पुलवामा हमले से पहले और बाद में जैश आतंकियों के फोन की रिकॉर्डिंग सौंपी। फोन रिकॉर्डिंग से पुलवामा हमले में जैश के शामिल होने की बात साबित होती है। लेकिन चीन दलील दे रहा है कि भारत के दावों की अच्छी तरह पड़ताल की जानी चाहिए। इसी पड़ताल के नाम पर चीन ने मसूद के खिलाफ प्रस्ताव को 6 महीनों के लिए टाल दिया। सूत्रों के मुताबिक चीन का दावा यह है कि मसूद अजहर और जैश मोहम्मद का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन ने दलील दी है कि मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जबकि भारत ने यूएन की सुरक्षा परिषद को बहुत सबूत दिए थे जिसमें मसूद अजहर का ऑडियो टेप भी शामिल था। लेकिन चाइना कह रहा है कि भारत के दावे अच्छी तरह पड़ताल की जानी चाहिए। मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने का प्रस्ताव भले ही पास न हो पाया हो, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत की कूटनीति अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कामयाब रही। पिछले 3 प्रस्तावों का अधिकतम 3 देशों ने समर्थन किया था। इस बार कुल 11 देश प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से 4 देश समर्थन में आए। सुरक्षा परिषद के बाहर से 4 देश समर्थन में आए। पिछले प्रस्तावों का यूएनएससी के बाहर के किसी देश ने समर्थन नहीं किया था। चीन ने भले ही मसूद अजहर को फिर से बचाकर अपने चहेते पाकिस्तान पर एहसान लाद दिए हों, लेकिन इस बार मसूद अजहर के खिलाफ आए प्रस्ताव को जो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन मिला है उससे चीन को अपने दामन पर आतंक के दाग छिपाना मुश्किल पड़ जाएगा।